मराठी एक्ट्रेस अश्विनी एकबोटे की शनिवार को हार्ट अटैक के बाद मौत हो गई। एकबोटे पुणे में एक मंच पर परफॉर्म करते हुए बेहोश हो गई। 44 साल की अश्विनी ने कई नाटकों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया था। उनकी गिनती बेहतरीन एक्ट्रेसेस में होती थी। वो हमेशा सुर्खियों से दूर रहना ही पसंद करती थी। पुणे की रहने वाली अश्विनी ने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक्टिंग और डांस कोचिंग शुरू की थी। अश्विनी हिंदी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। उन्होंने कई तरह के स्टेज नाटकों में काम किया है। शनिवार शाम को वो पुणे के प्रसिद्ध भारत नाट्य मंदिर में डांस परफॉर्म कर रही थी। इसी बीच वो स्टेज पर गिर गई। उसके बाद उन्हें पास ही के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। अश्विनी मराठी रंगमंच में एक जाना पहचाना नाम थी। रंगमंच के अलावा उन्होंने मराठी सीरियल्स और फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने कई पॉपुलर नाटकों में भी काम किया है। इसके अलावा इस साल फरवरी में उनकी दो फिल्में एक साथ रिलीज हुई। अश्विनी के जाने से मराठी फिल्म जगत और नाट्य जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। इसी तरह की न्यूज, गॉसिप्स और कंट्रोवर्सी से जुड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए दी मुंबई टाइम्स चैनल।